हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन जायका। आज की हमारी थाली में जो रेसिपीज हैं वो है मेथी उड़द दाल पूरी, मसाला आलू, पनीर कोरमा और पोहा रोस्ट खीर। मैं इस वीडियो में आपके साथ दो रेसिपीज शेयर करूंगी, बाकी दो रेसिपीज मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम पोहा रोस्ट खीर बनाएंगे। इसके लिए हम एक पैन ले लेंगे और इसमें 700 ml फुल क्रीम दूध डाल, इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब हम 1 कप पोहा लेंगे, उसे अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन कर लेंगे। 1/4 कप मिल्क पाउडर लेंगे और इसे 2 टेबलस्पून दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध हमारा बॉईल हो चुका है, इसकी मलाई को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, इसे 3 से 4 मिनट हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें पोहा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी हम 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी डाल देंगे। अब चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम या ज्यादा। खीर को रोज फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ रोज वाटर के 4 से 5 बूंदे डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर या कोई और फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने यहाँ पिस्ता, बादाम और किशमिश का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसे 1 मिनट तक कुक करेंगे। ये खीर रेडी हो चुकी है। खीर को एक अट्रैक्टिव कलर देने के लिए मैं इसमें रेड फूड कलर डाल दूंगी। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। पोहा खीर विद रोज फ्लेवर रेडी है। अब हम अपनी अगली रेसिपी बनाएंगे, पनीर कोरमा। पनीर कोरमा बनाने के लिए मैं पहले यहाँ व्हाइट पेस्ट बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ 50 ग्राम तिल लिए हैं, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम बादाम। मैंने बादाम को भिगोकर पील कर लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दही डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। पनीर कोरमा आज हम विदाउट अनियन गार्लिक बनाएंगे, इसलिए मैंने इसमें रेड ग्रेवी और व्हाइट ग्रेवी दोनों का इस्तेमाल किया है, जिससे इस रेसिपी को एक रिच टेस्ट मिलेगा और एक फाइन टेक्सचर मिलेगा। व्हाइट ग्रेवी का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, अब हम रेड ग्रेवी की प्रेपरेशन करेंगे। सबसे पहले मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब मैं इसमें बटर डाल दूंगी, इसे हम मेल्ट करेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें साबुत गरम मसाले डाल देंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, जावित्री, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साबुत काली मिर्च। मैंने यहाँ 6 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं और उन्हें रफली चॉप कर लिया है। इसे पैन में डाल देंगे। एक इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च ली हैं, इन्हें भी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए और पैन को ढककर फिर से 5 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। 5 मिनट बाद हम स्पैचुला से सभी टमाटर को मैश कर लेंगे। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने से पहले आप तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची, इन्हें निकाल दीजिएगा।
प्योरी बनाकर सेम स्ट्रेनर में स्ट्रेन कीजिए। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून घी डाल लेंगे। आप चाहें तो ऑयल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी गरम होने के बाद हम इसमें प्यूरी डालते हैं। प्यूरी को हम 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम इसमें पाउडर्ड मसाले डाल देंगे, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून हल्दी डाला है क्योंकि मैं ग्रेवी का कलर ज्यादा चेंज नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने हल्दी की क्वांटिटी कम रखी है। इसे अच्छे से मिक्स करके हम 4 से 5 मिनट इसे लो फ्लेम पर फिर से कुक करेंगे। ग्रेवी ने पैन के साइड में घी छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारी ग्रेवी कुक हो चुकी है। अब जो हमने व्हाइट पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। इसे रेड ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। अगर आप नॉनस्टिक पैन में नहीं बना रहे हैं तो आप कॉन्टिन्यूसली ग्रेवी को चलाते रहिए, अदरवाइज ग्रेवी पैन में चिपक जाएगी। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अगर आप इस सब्जी को राइस के साथ खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 कप पानी और डाल दीजिएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इस सब्जी की कंसिस्टेंसी और भी थिक हो जाती है। पानी डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट कुक करेंगे, फिर हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 250 ग्राम पनीर के पीसेस डाल देंगे। आप चाहें तो पनीर के पीसेस को स्टर फ्राई करके भी ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं। अब हम पैन को कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर कुक करेंगे। हमारा पनीर कोरमा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई कसूरी मेथी डालेंगे। आप चाहें तो कसूरी मेथी को एक बार ड्राई रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ते डाल देंगे। पनीर कोरमा बन चुका है। आप इसे राइस, पूरी, पराठे, नान या चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये 2 रेसिपीज कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मेरी 2 रेसिपीज अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगी। सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।